Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am back with another video. My name is Yukta Kohli and yes, so in this video I am going to talk about क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉमेंट्स में पूछे जा रहे हैं आप लोग के, मतलब आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज मैं ट्रेनिंग में हूँ एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा था, मेरे को नहीं टाइम मिल पा रहा बिकॉज हर सेकेंड डे हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो यू हैव टू स्टडी अलॉट नो, सो दैट्स वाई मैं नहीं बना पा रही थी. बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पार्किंग लॉट्स में भर गए थे, तो आई थॉट कि आज मेरा थोड़ा सा फ्री डे था, अभी मैं थोड़ी सी फ्री थी, सो आई थॉट कि मैं उस पर वीडियोज़ बना लेती हूँ. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, सो मैं अभी एक एक करके उनका आंसर दूंगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बाय, मिलते हैं आंसर में. समझ गए. ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ. मुझसे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने मोस्टली ट्राई किया है मैं सबका ही आंसर दे दूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था मुझसे कि दी क्या मैरिड गर्ल्स इंडिगो में लेते हैं क्या. सो यस, ऑब्वियसली आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, नो मैटर, बस आपकी एज लिमिट 27 होनी चाहिए इफ़ यू आर अ गर्ल. आई मीन ऑब्वियसली इंडिगो गर्ल ही देता है, तो गर्ल है तो 27 मैक्सिमम एज लिमिट होती है. आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, आपका बेबी है, इट डजेंट मैटर, बस इतना होना चाहिए एंड आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, दैट्स ऑल मैटर्स. आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप 27 से नीचे के होने चाहिए, नॉट 27 एंड अबव. तो बस बाकी इंडिगो सबको हायर करता है, डेफिनेटली सबको अपॉर्चुनिटी देता है वो. एंड सेकेंड क्वेश्चन है PhD में सैलरी मिलती है क्या. नो, प्री हायर ट्रेनिंग PhD में सैलरी नहीं मिलती, वो जस्ट एक वर्चुअल सेशन होते हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग होती है बेसिकली, सेशंस भी क्या ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है, तो उसमें आपको ना स्टाइपेंड मिलता है ना सैलरी मिलती है, बट कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट, जाओ PhD में. और फिर है स्कर्ट साइज क्या, स्कर्ट साइज टिल नी लेंथ, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ पूछा है, मतलब वो पूछना ये चाह रहे थे कि स्कर्ट लेंथ जो है वो नी तक होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू देने जाएं. तो यस, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मैंने बहुत सी ऐसी गर्ल्स देखी हैं जो छोटी छोटी स्कर्ट्स में भी सिलेक्ट हुई हैं, बट स्टिल आप अगर नी लेंथ तक पहन के जाएंगे तो वो बहुत प्रोफेशनल दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, एलिगेंट दिखती है. तो यस, नी लेंथ तक ही आप स्कर्ट पहन के जाइएगा, ये अच्छा इंप्रेशन जाता है बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, सो दैट्स वाई. फिर उसके बाद बोला था आप आंसर्स पे वीडियो बनाओ. एक्चुअली आई डोंट नो कौन से आंसर्स पे आप पूछ रहे थे, बिकॉज मुझसे बहुत बार एक लड़की है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट वो मुझसे बहुत बोलती पूछती है कि आंसर्स पे वीडियो बनाओ. तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी आंसर्स पे वीडियो बना चुकी हूँ, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक आंसर चाहिए सो प्लीज लेट मी नो, मेरे को इंस्टा करो या फिर मेरे को आप नॉर्मली यूट्यूब पे कॉमेंट कर सकते हैं, तो उससे मैं आपको बताऊंगी पक्का. उसके बाद है ग्रीन और वाइट स्पॉट्स को कैसे हटाएं. यस, ये भी एक मुझसे आप में से एक ने पूछा था कि मेरे वाइट स्पॉट्स हैं तो मैं उसको कैसे हाइड करूं. तो मैं अपनी ग्रूमिंग टीचर से बात करके आई हूँ इस बारे में, तो शी टोल्ड मी कि ग्रीन स्पॉट्स के लिए आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर करेक्टर पहले लगाना है, किस मतलब प्राइमर के बाद मेकअप से पहले ग्रीन कलर करेक्टर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा कम लगाना है. ग्रीन कलर करेक्टर के ऊपर आपको अपनी टोन से दो टोन नीचे का कंसीलर लगाना है एंड उसको कंसील करना है, उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, मेक श्योर कि वो ऐसे पैची ना लगे, बट हाँ तो ऐसे ही होगा, बट मेक श्योर पैची ना लगे, बट आपको उसको ब्लेंड भी करना है. एंड यस, ऐसे आप स्पॉट्स जो अपने हटा सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा शाइनिंग है तो वो इतने ज़्यादा नहीं हट पाते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो स्किन होती है थोड़ा वाइट हो जाता है, तो वो आपको वो चीज़ हेल्प जरूर करेगी, बिकॉज मैंने अपने ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर से पूछा था वो चीज़. ओके, फिर मुझसे पूछा है आप एयरबस में हो और ATR, सो मैं एयरबस की कैबिन क्रू हूँ, मतलब अभी नहीं बनी हूँ, अभी मैं स्टिल ट्रेनिंग में हूँ, बट यस मैं एयरबस के लिए ट्रेन हो रही हूँ. आफ्टर PhD हाउ मेनी डेज यू गॉट योर ऑफर लेटर. सो एक्चुअली मेरा कंसर्न कुछ और था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि मेरा कंसर्न क्या था, आई वॉज ऑन होल्ड आफ्टर माई इंटरव्यू एंड ब्लाह ब्लाह. सो PhD के बाद नो क्वेश्चन कुछ और था, आई एम सो सॉरी. आफ्टर PhD हाउ मेनी डेज यू गॉट योर ऑफर लेटर. सो PhD के मुझे 3 दिन के बाद ही ऑफर लेटर मिल गया था, बिकॉज बीच में दबा 3 नहीं 4 दिन, हाँ मेरी PhD 22 को ख़त्म हुई थी और मेरा 26 से ज्वाइनिंग थी,
तो आप देख लीजिए, बिकॉज बीच में दिवाली पड़ गई थी तो वो थोड़ा सा आगे हो गया, वरना मेरे को एक दिन, एक या दो दिन के अंदर ही मिल जाता। ठीक है, तो ये मेरा था। उसके बाद, हेलो मैम, आई हैव वन क्वेश्चन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एजमा, सो एम आई एलिजिबल और आई शुड टेल देम व्हेन आई गो इन इंटरव्यू और समथिंग? ओके, सो ये भी मैंने अपने ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर से पूछा था कि एजमा अगर किसी को हो तो उनको क्या, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी था एजमा जब मैं PhD में थी। सो उसका क्या हुआ था कि शी गॉट सिलेक्टेड। एंड इसमें क्या होता है कि आपके मतलब आपका जो भी स्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो पहले आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। अभी वैसे ये है कि ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, माइल्ड है तो वैसे भी ले लेंगे। बस आप मेडिकल्स में फिट टू फ्लाई आने चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे मेडिकल्स होते हैं। सो उसमें आपका फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट आना चाहिए, जिसके लिए आपको पहले डॉक्टर से कंसर्न करना ही पड़ेगा, कंपनी डॉक्टर से। वैसे इंटरव्यू में हो जाता है, इतना नहीं होता, मत बताओ, कोई जरूरत नहीं बताने की। आपका जब मेडिकल होगा ना तभी आपको पता चल जाएगा, और इतना नहीं होगा तो नो नीड टू टेल देम। इंटरव्यू में भी जब मेडिकल पे जाओ तब भी मत बताओ, जिस जो जो वो मेडिकल कर रहे हैं उसका मेडिकल करो, जो रिपोर्ट्स आएंगी देन टेल देम, बिकॉज रिपोर्ट्स में वो स्पेसिफिक डॉक्टर का बताते हैं कि इनसे आप एक बार कॉन्टैक्ट करो, और वो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू, कंपनी डॉक्टर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपको बताते हैं कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद है, वॉट इफ वी डोंट हैव मेंटेन्ड BMI, विल दे गिव मी अ टाइम, विल दे गिव मी टाइम? यस, वैसे BMI परफेक्ट होना चाहिए इंटरव्यू डे पे भी, और वैसे भी ओवरऑल भी, पूरी ट्रेनिंग में भी। बट यस, दे गिव यू सम टाइम। इवन मेरा जो था वो अंडरवेट थी मैं, और मैंने बहुत सारे और कैंडिडेट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होके भी वो सिलेक्ट हुए हैं। इंटरव्यू में हो जाते हैं इफ़ दे लाइक यू, इफ़ उनको लगे कि आपका जो है वो हो जाएगा, ऊपर नीचे एक दो किलो चल जाता है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक दो किलो चल जाता है, उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये था आंसर उसका। विच एयरलाइन? ओके, मैं किस एयरलाइन में हूँ? सो मैं इंडिगो एयरलाइन में हूँ। अभी मैं इंडिगो एयरलाइन में कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में हूँ। ओके, सो PhD के लिए, एक और लड़की ने मुझसे पूछा, PhD के लिए बैंगलोर आना पड़ता है क्या? नो, एक्चुअली मैं PhD के लिए बैंगलोर नहीं आई, मैं अपनी इनिशियल ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर आई हूँ। एंड PhD ये वर्चुअल सेशन होता है, वो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना होता, आपको सिर्फ घर में कैसे ही फोन पे, लैपटॉप पे ही आपको ट्रेनिंग आपकी चलती है। था मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट इंडिगो में 27 ईयर्स है गर्ल्स के लिए। सो यस, 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अगर एक्सपीरियंस के लिए, शायद ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर, मे बी 30 अगर आप एक्सपीरियंस क्रू हैं, फ्रेशर के लिए इट्स 27। इसके बाद है, आप हंसती बहुत है वीडियो में। यस, आई लाइक टू स्माइल। आप एक बार एविएशन में, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों हंस रही हूँ। ओके, इंटरव्यू में कुछ चांसेस हिंदी में दे सकते हैं क्या? नो, ये गलती मत करना कि आप इंटरव्यू में जाके हिंदी में आंसर दें, बिकॉज इनिशियल्स में PhD में इट्स लाइक चल जाता है, बट इंटरव्यू में इट्स लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? सो डोंट, नो मैटर अगर आपसे HR भी हिंदी में बात कर रही है, बिकॉज मैं एक बार एक HR थी मेरी, उनसे मैंने हिंदी में बात कर ली थी। सो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था कि हिंदी में आपको बात नहीं करने का, आपको नहीं पता। ओके, आई एम सो सॉरी मैम। तो वो हिंदी में मुझसे बात कर रही थी, तो इसलिए मैंने कर ली थी। ऐसे एक लाइन अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो डोंट स्पीक इन हिंदी, बट अगर वो आपसे पूरी बात हिंदी में कर रहे हैं तो यू कैन, बट अपनी साइड से डोंट इनिशिएट योर आंसर इन हिंदी। ओके, एंड मुझे एक लड़की ने पूछा, ईशानी, आई डोंट नो व्हाई आई रोट हर नेम बिकॉज आई लाइक हर नेम ईशानी। सो शी आस्क्ड मी, आई एम रियली डीमोटिवेटेड बट आफ्टर हियरिंग यू इट गेव मी कॉन्फिडेंस फॉर रीअप्लाइंग। आई गॉट रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स बट आई एम थिंकिंग दैट मे बी आफ्टर हियरिंग यू दैट मे बी दिस टाइम आई विल ग्रैब द जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईशानी, यू गेव मी अ लॉट ऑफ, मतलब एक होता है ना अच्छी फीलिंग दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांटेड, राइट? बिकॉज इसमें अच्छा लगता है यार, जब आप किसी, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा आप उसको बताए, बिकॉज मैं भी उसी पोजीशन में थी, राइट? आई हैव आल्सो यूज्ड टू टेक्स्ट मेनी गर्ल्स लाइक कैसे मैं अप्लाई करूँ, ये है मेरा प्रॉब्लम, ये है। एंड देर वॉज वन गर्ल, देर इज वन गर्ल हु हेल्प मी अ लॉट, एंड हर नेम इज प्रियंका गोस्वामी। आई वॉच्ड हर यूट्यूब वीडियो, एंड उसका ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम फॉलोवर्स थे, उनके बहुत फॉलोवर्स हैं। एंड शी स्टिल रिप्लाइड मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई स्पोक हर फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स,
I used to talk to her like for hours and hours. So uske baad, and you know what, I met her in Bangalore. I fly. I really got that opportunity to meet her. So yes, I'm happy. So it's okay. Thank you so much, Shani, once again. And definitely, I'm so sure that you will get this job ASAP. So don't lose the hope. Don't stop trying. You'll get it. Virtual hugs and love. Okay, next question is fees in PhD. No, koi fees nahi hoti PhD mein. PhD is like, as I told you already, कि पी एच डी सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है, वर्चुअल ट्रेनिंग, जिसमें आप बोलो कुछ नहीं, आपको एक महीने के लिए वर्चुअली उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, जिसमें आपको पूरा अपनी कंपनी के हिसाब से आपको ढालने की कोशिश करेंगे, मोल्ड करने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स ऑल. नो, पी एच डी में सैलरी कुछ नहीं होती, ना ही पी एच डी में कोई फीस होती है. तो पी एच डी इनिशियल्स में जाते हैं, तो उसमें अपनी जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग फीस होती है, बाकी पी एच डी में नहीं होती. उसके बाद था डायरेक्ट जॉब. हाँ, पी एच डी के बाद डायरेक्ट जॉब होती है या कोई इंटरव्यू देना पड़ता है? तो पी एच डी के बाद डायरेक्ट कोई जॉब, सॉरी, पी एच डी के बाद, पी एच डी में ही आपको इंटरव्यू नहीं होता है, पर इट्स लाइक आपको रिव्यूज देने पड़ते हैं, तो आपको वो क्लियर करने पड़ते हैं. इट्स काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, बट इट्स नॉट एन इंटरव्यू. सो उसमें इतना कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसमें आपको देना हो कि आपका क्या, बिकॉज ऑब्वियसली आप में कुछ ना कुछ बात थी, तभी आप पी एच डी में आए हो, तभी आप हायर हुए हो. सो उसमें नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इंटरव्यू नहीं होता. तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट जॉब. मैं पी एच डी में जब लगी थी, तो मेरी पी एच डी हुई, मैंने दो रिव्यूज दिए. रिव्यू में नॉर्मल आपसे कॉन्वर्सेशन होती है, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स इट. फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको ऑफर लेटर मेल आ जाता है, आपके बेसिस डिसाइड होते हैं. तो यही सब होता है. बाकी दो चार और क्वेश्चन थे, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक और वीडियो बना दूंगी. बिकॉज आजकल मैं थोड़ा सा यू नो टाइट स्केड्यूल हो रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही था, बट आप मुझे क्वेश्चन बताएं, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी. एंड यस, तो ये ही कुछ कितने थे, 20 क्वेश्चंस थे जिसके मैंने अभी आंसर्स दिए. एंड आई एम रियली ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत सारी गर्ल्स आजकल इंस्टा पे पूछ रही हैं, आई एम रियली ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी. अभी मैं इनिशियल से जैसे जैसे क्लियर होंगी, आई विल शो यू के हाउ इट एक्चुअली फील्स टू बी अ कैबिन क्रू. आई विल डेफिनेटली, अभी मैं बहुत बात करना चाह तो रही थी बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं अब आऊँगी इस चीज़ पे भी जल्द. अभी मेरा इमरजेंसी मॉड्यूल, मेरा लास्ट मॉड्यूल है, इमरजेंसी मॉड्यूल मेरा स्टार्ट होने वाला है. एंड देन उसके बाद मेरा इंडिगो एंड डी जी सी एग्जाम है. सो विश मी लक, अभी बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, तो दैट्स वाई आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड ओके, सो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, शोइंग मी सो मच लव. आई कांट इवन टेल यू, इसमें लग रहा होगा कि एक दो गर्ल्स, बट नॉट, एक दो लड़कियां नहीं, मुझे कम से कम एक महीने में लास्ट कम से कम 30-40 गर्ल्स के इंस्टा पे मैसेज आ चुके हैं इंडिविजुअली. एंड आई एम सो श्योर कि मैंने हर एक का आंसर दिया है, बट स्टिल अगर मैंने नहीं दिया, गलती से मिस आउट हो गया, तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा से करें, मैं डेफिनेटली दूंगी. बिकॉज क्या होता है, इंस्टा पे भी ना रिक्वेस्ट आते हैं, तो उसमें जाके चेक करना पड़ता है, और उसमें कुछ एक ऑप्शन आ रहा है हिडन रिक्वेस्ट एंड टॉप रिक्वेस्ट, तो उसमें बहुत सारे होते हैं. तो मैं अगर गलती से मिस आउट हो गया तो आई एम रियली सॉरी, आई विल ट्राई टू गिव, बट मैंने सबके लिए आंसर, आई नो, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, शोइंग योर लव, शोइंग योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.